राजस्थान के कोटा में एक दुखद हादसा हो गया। आपको बता दें कि जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट के पास तेज रफ्तार ऑटो ड्राइवर से टकरा कर पलट गया। इस हादसे में ऑटो चालक महेंद्र कुमार घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान ही मौत हो गई। वहीं पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। घटनाक्रम ये है कि आज सुबह करीब 7 बजे के लगभग सूचना मिली कंट्रोल रूम से कि जो जयपुर गोल्डन वाला तिराया है वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट की सूचना पे मैं जाप्ते के साथ में वहाँ पहुँचा। वहाँ पर देखा तो ऑटो साइड में पड़ा हुआ है और एक व्यक्ति जो है बेहोश की कंडीशन में पड़ा हुआ है, सिर से खून बह रहा है। इस पर वहाँ पर उसकी तलाशी ली तो उसके बाद उसमें पेंट की जो जेब है उसमें पर्स मिला, उसमें नंबर मिला। नंबर से कॉल किया तो उसके बेटे का था, उसको मौके पर बुलाया। थोड़ी देर में वो 10 मिनट में वो आ गया और वहाँ पर फिर जो लोग थे उनकी मदद से ऑटो में लेकर के बॉडी को MBSH हॉस्पिटल में लेके आए। ड्यूटी डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर साहब ने उसका चेकअप किया, ECG वगैरह जो भी प्राथमिक, उसके बाद उन्होंने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया।